मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास, और आज क्लास में प्रश्न 7.5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 7.5 के प्रश्न 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.5 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा प्रश्न 8, x/(x-1)2 इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न 8 का हल। तो आपको लिख लेना है आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको व्यंजक लिखना है। व्यंजक भी बोलते हैं और फलन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x/(x-1)2। प्रश्न 8 का समाकलन करने से पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि आंशिक भिन्न का यूज दो तरीके से होता है, और ये भी बात बताई थी कि आंशिक भिन्न का यूज पहले होगा प्रश्नावली 7.5 में, किसी भी प्रश्न का समाकलन करो, आंशिक भिन्न का पहले यूज होगा, समाकलन बाद में होगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं मोटी बात, आपको सीख लेना है, और पिछली क्लास में भी बताई थी। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं मोटी बात, आंशिक भिन्न शॉर्ट में, सेकंड नंबर देखो आंशिक भिन्न लॉन्ग में। तो मोटी बात आपको यहां पे लिखवा दी है कि आंशिक भिन्न शॉर्ट में कब यूज होती है और आंशिक भिन्न लॉन्ग में कब यूज होती है। अब यहां पर बता देते हैं, आप लोग देख लेना प्रश्न 1 से लेके 6 तक, वहां पर हमने आंशिक भिन्न शॉर्ट में यूज करके एबीसी के मान निकाल लिए थे, और आंशिक भिन्न लॉन्ग में यहां पर हम प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न सात में देख लेना, आप लोग पिछली क्लास में करवा चुके हैं 1 से लेके 7 तक। तो शॉर्ट में और लॉन्ग में कैसे यूज होती है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पिछली क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर वो आपने क्लास अटेम्प्ट कर ली है, वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न 8 का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और आपको ये भी बात बताई थी कि कब आंशिक भिन्न यूज होती है और कब नहीं होती है। जैसे प्रश्न 7.4 की बात करें तो यहां पर हमने आपको बताया था कि ऐसे द्विघात बहुपद जब हर में मिलते हैं और रूड ना हो, ऐसे द्विघात बहुपद हर में आपको मिलेंगे जब आपको गुणनखंड करना है वहां पर। अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो आपको प्रश्न 7.5 में आंशिक भिन्न का पहले यूज करना है और समाकलन बाद में करना है। अगर गुणनखंड नहीं होते हैं द्विघात बहुपद के तो आपको प्रश्न 7.4 में जो 6 फार्मूले बताए थे उनका यूज करके पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके समाकलन करना है। लेकिन प्रश्न 7.5 में आपको द्विघात बहुपद मिलेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, तो आंशिक भिन्न का यूज पहले होगा और समाकलन बाद में करेंगे। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि आंशिक भिन्न शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में यूज होगी प्रश्न 8 में। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिख लेना है आंशिक भिन्न, यहां पे लिख देते हैं आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर। तो यहां पर आपको लिख लेना है जो भी यहां पे फलन दिया गया है x-1(x+2), हमने ऐसे क्यों लिखा, आंशिक भिन्न यहां पे लॉन्ग यूज होगी क्यों, छोटी बड़ी जब घात होती है तब लॉन्ग में आपको आंशिक भिन्न यूज करना है। जैसे बता देते हैं, जैसे ब्रैकेट में कितनी घात मिली है, x की अधिकतम घात 1 मिली है। देखो अंश में जो x है उससे मतलब नहीं होता है, उससे तब मतलब होता है जब ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 का मान निकालते हैं तब उसका यूज होता है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ये जो आपको फलन दिख रहा है एक पद है, इसके कितने पद बन जाएंगे वो जानकारी आपको ले लेना है, और शॉर्ट में और लॉन्ग में इसकी भी जानकारी आपको आना चाहिए, तभी प्रश्न हल हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो यहां पर क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में देखते हैं अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यहां पे कितनी है, 1 है। तो घात क्या है,
सेम है, तो जब घात सेम है तो आंशिक भिन्न आप कहोगे कि शॉर्ट में यूज करो, डायरेक्ट ए बी सी डी ई एफ जी डॉट डॉट के मान निकल जाते हैं। लेकिन आपको होल घात भी देख लेना है, होल घात यहाँ पे कितनी है, दो है, और यहाँ पे कितनी होल घात है, वन है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इतना ध्यान रखना है, ब्रेकेट के अंदर भी एक्स की अधिकतम घात इसकी और इसकी बराबर हो और होल घात भी बराबर होना चाहिए, तब आपको आंशिक भिन्न शॉर्ट में यूज करना है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकेट में एक्स की अधिकतम घात वन है, यहाँ पर वन है, बराबर है, लेकिन होल घात क्या है, छोटी बड़ी है। तो छोटी बड़ी है तब आपको लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करना है। देखो कैसे लॉन्ग में यूज होती है, तब आपको ऐसे करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको पता है कि प्रश्नावली 7.4 और प्रश्नावली 7.5 का जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि वहां पर कि कितने पद बन जाएंगे इस एक पद के। देखो कैसे, यहाँ पे होल घात कितनी है, दो है, और इस ब्रैकेट में देखा जाए तो होल घात कितनी है, वन है, जोड़ेंगे कितना हुआ, तीन। तो इस एक पद को आप तीन पद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे होगा, देखो आपको पता है होल घात में क्या होता है, पहले घात हटा के लिखते हैं, एक घात से स्टार्ट करते हैं, होल घात बता रहे हैं, तो पहले घात हटा दी, ठीक है, एक से स्टार्ट करेंगे, और जितनी होती है होल घात वहां तक आपको जाना है। तो कैसे, एक घात हो गई, अब इसके आगे क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए दो पद हो गए क्योंकि यहाँ पे हमें दो मिला था, और बाद वाले ब्रैकेट के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल एक पद बनाना है। टोटल कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो अगर ए लिख चुके हो, बी लिख चुके हो, आगे क्या आएगा, सी आएगा। और एक बात याद रखना, आगे सी आएगा किसके लिए, एक्स प्लस टू के लिए। हाँ, क्या बता रहे थे आप लोगों को, एक बात याद रखना, अगर ए लिख चुके हो फिर आगे ए नहीं लिखा जाएगा, अगर बी लिख चुके हो आगे बी लिखा नहीं जाएगा, अगर सी लिख चुके हो आगे सी लिखा नहीं जाएगा, रिपीट नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपको आंशिक भिन्न में वियोजित कर लेना है। देखो आंशिक भिन्न लॉन्ग में हम यूज कर रहे हैं, जैसे प्रश्न सात में यूज की थी, जब घात छोटी बड़ी मिल जाए होल घात या ब्रैकेट के अंदर तो आपको लॉन्ग में यूज करना है, घात एक जैसी मिल जाए होल घात या ब्रैकेट के अंदर तो आपको शॉर्ट में यूज करना है। ये मोटी बात आपने अगर सीख ली तो कभी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आंशिक भिन्न का यूज करोगे और समाकलन बाद में करोगे। तो यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात हमने आपको ये भी बताई थी कि क्वेश्चन 7 में कि हमने यही बताया था कि जो लाइनें लिखते हैं सभी के लिए वही लाइनें यूज करते हैं, चाहे प्रश्न सात हो या आगे हो, जब घात छोटी बड़ी हो। तो इसीलिए हर एक लाइन आपको समझ लेना है कि क्योंकि प्रश्न जो सात में समीकरण एक डाला था, फिर उसके बाद क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, इसमें भी वही होगा। तो ज्यादा जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतना ध्यान रखना, आंशिक भिन्न से एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में, ठीक है। तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरी जो लाइन लिखना है वो लघुत्तम की होती है, ठीक है, यहाँ पर सीख लेना है, जैसा किया था वैसे करेंगे। लघुत्तम आपको कितना लेना है हम आपको बता देते हैं, यहाँ से जो लघुत्तम आपको लेना है ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसे देखें, हमें पता है जब लघुत्तम लेंगे इतना ही मिलेगा, तो यहाँ से हम नहीं देखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है, ये भी आपको सीख लेना है। और इसे तो पहले लिख लो, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो आपने लघुत्तम लिया, किसको देख के लिख लिया, इसको देख के लिख लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। प्रश्न सात में देख लेना, जैसा हल करवाया था वैसे ही यहाँ पे करना है प्रश्न आठ को। अब इसके बाद देखो आपको इंटू करना है, जैसे एक्स माइनस वन आपको यहाँ पे दिख रहा है मैच हो गया, एक घात मैच हुई है और एक घात बची है, और ये मैच नहीं हुआ, जो मैच नहीं होता है इसके ऊपर गुणा करते हैं। तो एक्स माइनस वन की एक घात बची है तो आपको लिख लेना है ऐसे करके, अब प्लस का भी, अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, पूरा पूरा मैच हो गया, जो नहीं मैच हुआ है उसका ऊपर गुणा कर दो, तो एक्स प्लस टू, इसमें मैच नहीं हुआ तो ऊपर गुणा कर दो, ठीक है, और प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस टू मैच हो गया, क्या मैच नहीं हुआ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आपको ऊपर गुणा कर देना है अंश में, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी स्टेप आपको समझ में आ गई, अब तीसरी स्टेप समझो, तीसरी स्टेप लघुत्तम को कैंसिल कर लेना है और जो यहाँ पे बचा है वही लिख लेना है,
वो तीसरी स्टेप हो गया या तीसरी लाइन भी बोलते हैं। तो एक्स इक्वल ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस का एक्स प्लस टू, ठीक है यहाँ पे आ जाओ, वी इंटू एक्स प्लस का टू प्लस का सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर दो। याद रखना जैसे ही लघुत्तम आपको कैंसिल करना है वैसे समीकरण दो डालना है, ठीक है। समीकरण दो डालने के बाद में आपको अलग अलग पद बनाना है। अब अलग अलग पद किसके बनेंगे हम आपको बता देते हैं। देखो प्रश्न जैसे सेवन था, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे हल कर रहा है, स्टेपें याद हो जाती हैं। तो आपको किसका किसका अलग अलग पद बनाना है, जैसे यहाँ पे ए बी सी अलग अलग पद है, ऐसे ही आपको समीकरण दो के बाद अलग अलग पद बनाना है, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। तो यहाँ पे बना देते हैं, देखो ए का पहले से अलग है, सी का पहले से और बी का भी अलग अलग है, लेकिन आपको क्या करना है बहुपद में लिखना है, बहुपद में सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी गुणा करके लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है इतना ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा करो तो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का टू इतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो एटिटीज आपको लिख लेना है सेम टू सेम। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। समीकरण दो के बाद चाहे एक लाइन आपको लिखना पड़े, चाहे दो लाइनें लिखना पड़े, चाहे तीन लाइनें लिखना पड़े, लिखना पड़ेंगी आपको। क्यों? क्योंकि हमें समीकरण दो से कुछ मान पता चल जाएंगे, या तो ए का मान पता चलेगा या बी का या तो फिर सी का, पूरे पूरे मान नहीं पता चलते हैं समीकरण दो से। फिर क्या करते हैं समीकरण दो के बाद जो लाइन हम लिखते हैं गुणांकों के लिए, ये लाइन समीकरण दो के बाद जो भी आपको लिखना है वो गुणांकों के लिए लिखी जाती है, गुणांक का यूज होता है। जो मान नहीं निकल पाएंगे समीकरण दो से फिर हम गुणांकों का यूज करके मान निकालेंगे। ये मान तीन आपको दिख रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है हमने ए के लिए लिख लिया, बी के लिए लिख लिया और सी के लिए लिख लिया। अब इसके आगे कोई भी लाइन आप लोग ना लिखना है, यहीं तक लिखना है। अब इसके आगे क्या होगा देखो, अब आपको हम बताते हैं समीकरण दो से कितने मान निकलेंगे। वैसे तो तीन मान है ए बी सी के निकालना, तो यहाँ पर हम सिखा देते हैं देखो 4G ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान वहीं से निकलेगा जहाँ पर अधिकतम घात एक हो, होल घात से यहाँ पे मतलब नहीं होता है। जैसे होल घात है यहाँ पे मतलब नहीं है, होल घात एक है मतलब नहीं है, आपको ब्रेकेट के अंदर देख लेना है, अधिकतम घात एक होना चाहिए वहीं से एक्स का मान निकलेगा। देखो यहाँ से अगर बात करें एक्स का मान कितना निकला, 1,1, होल घात दो है, ठीक है तो मान कितने निकलेंगे दो, लेकिन लिखना आपको एक ही है इतना ध्यान रखना है। हमने बताया था घात से कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको एक ही मान लिखना है। यहाँ पे देखो ब्रेकेट के अंदर एक्स की घात एक है तो आपको लिख लेना है माइनस का दो, क्योंकि आपको एक्स माइनस यहाँ पे बता देते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल जीरो कर लो इस ब्रेकेट के अंदर, तो एक्स का मान कितना मिला, वन मिला। अब यहाँ पे आ जाओ एक्स प्लस टू है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल कितना मिला, माइनस दो। ऐसे करके निकाल लेना, डायरेक्ट लिखो एक्स का मान यहाँ से वन मिल गया, यहाँ से माइनस दो मिल गया, तो हमें एक्स के मान कितने मिले, एक्स के कितने मान मिले, दो मान मिले। अब जब दो मान मिले हैं तो दो मान आपको पता चल जाएंगे, या तो ए का पता चलेगा या सी का पता चलेगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बी का मान या सी का मान पता चलेगा, या फिर कह सकते हैं ए वी और, ठीक है ए और बी दो ही मान पता चल पाएंगे, क्योंकि एक्स के जितने मान यहाँ पे पता चल जाते हैं उतने ही आप मान निकाल सकते हो। तो देखो एक्स का मान जब वन रखेंगे इसमें तो किसका मान निकलेगा, जब एक्स बराबर माइनस दो रखेंगे समीकरण दो में तो देखो किसका मान निकलेगा, दो तो निकल आएंगे, बचेगा एक। तो यहाँ से जो समीकरण दो के बाद ये लाइन हमने लिखी है गुणांकों की तुलना कर लेंगे निकल आएगा। सीख लेना है जब घातें छोटी बड़ी होती हैं ऐसे ही आपको लगाना है, कोई सा प्रश्न मिल जाए प्रश्न नंबर 7.5 में ऐसे ही आंशिक भिन्न यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बराबर यहाँ पे देख लो वन है, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखो तो यहाँ पे एक्स वन रखो। अब यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, तो टोटल ये पद हो जाएगा जीरो। यहाँ पे आ जाओ जब एक्स बराबर वन रखोगे वन प्लस टू कितना मिलेगा, थ्री भी मिलेगा। एक्स बराबर वन जैसे रखोगे तो वन माइनस वन
जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का सी में इंटू करेंगे जीरो, तो ये लास्ट वाला भी पद जीरो हो जाएगा। तो बी का मान हमें पता चल गया, यहाँ पर तीन का भाग लगा दो तो 1/3 मिलेगा। तो बी का मान हमें क्या पता चल गया, 1/3। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक मान और बचा है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब एक्स का मान एक रखेंगे समीकरण दो में, या तो ए का मान पता चलेगा या बी का या सी का, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बी का मान पता चला, अब एक्स बराबर जैसे ही हम रखेंगे -2 समीकरण दो में, तो एक मान और पता चल जाएगा, बचेगा एक। इस लाइन से हम गुणांक की तुलना करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर -2 समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में आपको रख लेना है एक्स बराबर -2। चलो यहाँ पे समीकरण दो देखो, -2 यहाँ पर रखना है एक्स है। अब यहाँ पे जैसे ही -2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का इंटू करेंगे ये पहला पद जीरो ही मिलेगा। अब आ जाओ एक्स बराबर -2 इसमें रखो, तो +2 -2 जीरो हो गया, पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे ही एक्स बराबर -2 आपने रखा तो ये मान देगा, देखो कैसे, -2 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स -1 का होल स्क्वायर है। जैसे आपने एक्स बराबर -2 रखा तो -1 का होल स्क्वायर, -2 बराबर यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो 9 × c मिल गया। अब आपको c का मान निकाल लेना है, -2/9। तो हमें किसका किसका मान पता चला है, v का मान पता चला है और c का मान पता चला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है पता है, ये जो समीकरण दो के बाद लाइन लिखी है इसका भी यूज होगा। तो जब कब यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर दो मान निकले, अब जो मान निकलेगा वो इसी से निकलेगा, समीकरण दो से नहीं निकल सकता, इतना ध्यान रखना है। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले ही आपको बताया था इसका जरूर यूज होगा गुणांकों की तुलना करके। तो हमें किसका मान निकालना है, अब हमें बी और सी पता चल गया, ए का मान निकालना है। अब इससे निकालो, गुणांकों की तुलना करेंगे। देखो तो आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का है और अचर पद है, तो 1 2 3 ऑप्शन कितने हैं, तीन ऑप्शन है आपके पास इस लाइन के लिए, और एक मान निकालना है। तो चाहे जिसका आप यूज कर लो, तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं, इसका ना करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाहे जिसका करो एक का कर लो, मान निकल आएगा एक का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, रफ करके फिर आपको बता रहा है, तो यहाँ पे लिखो गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से। तो गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो आपको जीरो रख लेना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक जो है नया शब्द नहीं है, ये गुणे से बना है, तो गुणा देखना है आपको एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो ए मिलेगा, तो आपको लिख लेना है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, गुणांक। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, सी का गुणा कर दो, तो गुणा जिसका हुआ है वही उठा लेना है, तो यहाँ पे सी मिल जाएगा प्लस का। तो यहाँ से ए मिला और यहाँ से कितना मिला, सी मिला। अब सी का मान यहाँ पे रख दो, तो -2/9, ए का मान कितना पता चल गया, 2/9। तो ऐसे करके मान आपको निकालना है, जब घातें क्या मिल जाएं, छोटी बड़ी मिल जाएं, ठीक है, और इसका यूज करना जरूर। फिर समीकरण नहीं बनते हैं जो समीकरण बनते थे पहले, जैसे हम तो समीकरण बनाते नहीं हैं, बहुत से टीचर बनाते हैं, तो समीकरण बनाने का मतलब ये है थोड़ा और टफ हो जाएगा, तो इसीलिए इसका यूज करना जरूर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मान बता देगा, बचे हुए गुणांकों की तुलना से निकाल लेंगे। अब देखो ये ए बी सी के मान कहाँ रखना, समीकरण एक में, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कमा बी, क्या लिखेंगे, ए कमा बी व सी के मान समीकरण एक में रखने पर, रखो समीकरण एक में, तो ए का मान यहां पे रख लो, देख लो 2/9, और बी का मान देख लो कितना है, 1/3 है, ठीक है, सी का मान देख लो कितना है, -2/9। ए और बी का मान प्लस का आया है और सी का मान माइनस का आया है,
अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। अब इसी का आपको समाकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब इसके आगे देखो करना कैसे है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये समीकरण एक। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है, लेकिन पहले आपको सही से लिख लेना है। ये नौ नीचे ले आओ, तीन नीचे ले आओ, नौ नीचे ले आओ, तो सही से लिख लेना है। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जब सही से लिख जाएगा तब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। पहले सही से लिख लो, दो बटे नौ इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, प्लस वन अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस दो बटे नौ इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इतना तो जानते हो आप लोग। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। अब दोनों पक्षों में जब समाकलन होगा तो बराबर के इस तरफ प्रश्न ही बन जाता है, पूरा पूरा बनेगा जिसका समाकलन पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हो x के सापेक्ष, ना लिखो क्योंकि आपको पता है व्यंजक या फलन x में, तो x के सापेक्ष ही आपको करना है। तो इधर देखो, तो x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का टू, और यहाँ पे dx। अब बराबर देख लो, यहाँ पे दो बटे नौ इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे देखो प्लस का वन अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस दो बटे नौ इंटू एक्स प्लस का टू, यही है। अब क्या करना है, समाकलन करना है इसका, इसका नहीं करना है क्योंकि इसी का तो पूछा गया था प्रश्न में, उस तरफ छोड़ के इस तरफ आपको समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक पद का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो दो बटे नौ आपको आगे लिख लेना है और पहला पद ऐसे लिख लेना है, चाहे dx यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिख लो dx, चाहे आप dx यहाँ पे लिख लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। अब आ जाओ इसका, तो इसमें वन अपॉन थ्री आगे कर लो और वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसका समाकलन करेंगे। इसमें दो बटे नौ आगे ले लो और वन अपॉन एक्स प्लस टू का समाकलन करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका होल घात कितनी है, यहाँ पे वन है, वन के लिए लॉग मोड एक्स का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे दो नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो घात एक में फार्मूला जो बनाया गया है आपको यहाँ पे बता देते हैं, वन अपॉन घात एक में लॉग मोड एक्स, ये फार्मूला यूज करना है, इतना आप लोग नोट करो। अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे इसको आईटीडीज आपको लिखना है क्योंकि ये हमसे मांगा ही गया था, तो इसको तो ऐसे ही लिखना है आपको, डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग एक्स आएगा, दो बटे नौ ऐसे लिखो, इसका क्या होगा, लॉग मोड एक्स माइनस का वन, ठीक है। अवकलन करो, चर अगर चेंज है तो अवकलन होता है हर में, करो तो एक्स का वन, ठीक है, और वन का जीरो, अचर पद का जीरो होता है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस वन अपॉन थ्री। तो हमने बताया था मोटी बात की समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का, तो ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है इसका, हो जाए इसे अंश में बना लो तब इसका समाकलन होगा। तो क्या है, एक्स माइनस वन की होल घात माइनस दो कर लो, ठीक है, और इसका तो हो ही जाएगा माइनस का दो बटे नौ, हो जाएगा ना। तो लॉग मोड एक्स प्लस का क्या है, टू है। अब चर चेंज है, अवकलन करना है अपॉन में, एक्स का कितना होगा, वन होगा, टू का जीरो होगा, समाकलन होने के बाद सी को जोड़ देते हैं, लेकिन एक समाकलन बचा है, अभी सी को जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, जब इसका समाकलन हो जाए तब आपको सी को जोड़ देना है। तो आपको लिख लेना है दो बटे नौ, अपान में वन है तो वन का इसमें इंटू करो दो बटे नौ में, तो दो बटे नौ रहेगा, आईटीडीज लिखना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हाँ समाकलन करना है, तो एक्स ही घात एन का लगा लो, तो एक घात जोड़ी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकलन करना है, चर चेंज है, अपान में करना है, एक्स का वन, वन का जीरो, ठीक है, और इसे लिख लो, इसे हम रफ कर देते हैं, इसका तो हो ही गया। यहाँ पे देखो माइनस का कितना है, दो बटे नौ लॉग मोड एक्स प्लस का टू, ठीक है, और समाकलन हो गया तो सी को आपको जोड़ देना है, ऐसा करें। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए टू जेड हम आपको
आपके लिए जो है हल करवा देंगे। देखो यहाँ पे 2/9, इसको एडिटिज लिखना है आपको, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से -1 निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस कर लो ऐसे करके, और यहाँ पे -1 होल घात निकलेगी, अपॉन में लिख दो, तो कैसे लिखना है 1/3 × x − 1 ऐसे करके लिखना है, घात आपको धनात्मक करना है, तो अपान में ले आओ, घात धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। अब 1 का इंटू करेंगे, एडिटिज रहेगा, चलो यहाँ पे आ जाओ, -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस का सी। अब बताइए आंसर शीट यहाँ पे छोड़ी जाएगी या नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि आंसर शीट कब आपको फार्मूले यूज करना है लघुगणक के, कब यूज होते हैं कब नहीं। देखो अगर लॉग का गुणांक सेम मिल जाए तो हमें फार्मूला यूज कर लेना है, जो भी यूज हो, लॉग एम अपॉन एन या लॉग एम इंटू एन। देखो इसका गुणांक 2/9 है, इसका गुणांक 2/9, तो इसमें 2/9 कामन लेके लॉग एम बटे एन लग जाएगा, तो ये बता रहे हैं अभी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हो, क्यों, गुणांक अगर सेम मिल रहे हैं तो फार्मूला यूज कर लेंगे, उसके बाद आपको लिख लेना है लॉग एम बटे एन, फिर छोड़ देना आंसर शीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग मोड x माइनस 1 और ये कितना आएगा माइनस का लॉग मोड x प्लस का 2, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, -1/3 × x − 1 प्लस का सी, तो लॉग m अपॉन n लगा लो, तो 2/9 log m बटे n, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना है, और -1/3 × x − 1 और प्लस का सी। अब मापांक अलग अलग है, आपने क्लास 11th में सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ा होगा z1/z2 का होल मापांक बराबर क्या होता है, z1 का मापांक अपन z2 का मापांक, तो वही यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, 2/9 होल मापांक कर लेंगे, x − 1/x + 2 का होल मापांक, और -1/3 × x − 1 + c। तो यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, z1/z2 का होल मापांक होता है z1 का मापांक अपॉन z2 का मापांक, कहने का मतलब है मापांक अंश को अलग दे दो, हर को अलग दे दो, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलो इसको आप लोग नोट कर लो, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्योंकि फार्मूला लग रहा था, गुणांक अगर सेम टू सेम मिल रहे तो आपको फार्मूला लगा लेना, गुणांक अगर अलग अलग मिलते जैसे यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2/9 होता तो यहीं पे छोड़ देते आंसर शीट, लेकिन गुणांक सेम है तो आपको फार्मूला यूज कर लेना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 9 आप लोग लिख लो यहां पे, आई बराबर तो क्या है 3x + 5, ठीक है, अपॉन में x³ − x² − x + 1, ठीक है। अब गुणनखंड करो, हमने आपको बात बताई थी कि आपको गुणनखंड करना है और हो जाएंगे, प्रश्न में 7.5 का कोई सा प्रश्न हो, गुणनखंड पहले से मिल जाते हैं और नहीं मिले तो गुणनखंड करो, हो जाएंगे। देखो x³ − x² और आपको एक बात पता है, पिछली क्लास में बताई थी, जब पदों की संख्या सम होती है जैसे 2, 4, 6, 8 तब गुणनखंड हो जाते हैं, तो पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, तो 4 है तो गुणनखंड हो जाएंगे। पदों की संख्या अगर विषम है तो कभी भी गुणनखंड नहीं होते हैं, पदों की संख्या सम बनाना है तब हो जाते हैं, जैसे 3 पद होते हैं तो 4 पद बनाते थे तो उसके बाद गुणनखंड होते थे, लेकिन यहाँ पे 4 पद पहले से हैं तो आपको गुणनखंड कर लेना, हो जाएंगे, पदों की संख्या सम है तो इसलिए गुणनखंड हो जाएंगे। 3x + 5 अपॉन यहाँ पे x² कामन ले लो तो x − 1 और यहाँ पे क्या कामन ले लो -1, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रैकेट में कितना मिला x − 1 मिला, तो आपको इतना कामन यहाँ से लेना है कि ब्रैकेट में x − 1 मिल जाए, तो आपको पता है कि माइनस जब कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे dx। अब आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है 3x + 5 अपॉन यहाँ पे ब्रैकेट में सेम टू सेम आपको दिख रहा है, आपको लिख लेना है। अब आपको x² − 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे करके। अब देखो इसके आगे यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, हमने बताया था गुणनखंड करो जब तक हो रहे हैं, तो यहाँ पे a + b × a − b लग जाएगा, तो आगे बढ़ाएंगे हम 3x + 5 अपॉन
एक्स माइनस वन, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस वी और यहाँ पे डीएक्स। तो आई बराबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर, सेम टू सेम दिख रहा है। तो इसकी होल घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो 3x प्लस का 5 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डीएक्स। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 8 में, जैसे 8 हुआ था वैसे ही होगा। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न कौन सी लगेगी, लॉन्ग में लगेगी। यहाँ पे लिख देते हैं आंशिक भिन्न जो है लॉन्ग में आपको यूज करना है, क्योंकि घात क्या मिल गई, छोटी बड़ी। देखो ब्रैकेट के अंदर घात सेम है, ठीक है, और यहाँ पर भी वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बता रहे घात सेम है, लेकिन होल घात देखो दो है, यहाँ पे वन है। तो छोटी बड़ी घात मिलती है, तो लॉन्ग में आपको आंशिक भिन्न यूज करना है। लॉन्ग में मतलब ए बी सी डी के मान आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेंगे, इतना ध्यान रखना। शॉर्ट में डायरेक्ट पता चल जाते हैं ए बी सी के मान। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिख लेना है आंशिक भिन्न में, ऊपर लिख लें कि यहीं पे लिख लेते हैं, चलो तुम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर तो यहां पर देख लो कैसे वियोजित करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। तो आपको लिख लेना है ये फलन आपको दिख रहा है, यहां पे लिख लो 3x प्लस का 5 अपॉन क्या है x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू x प्लस का वन, ठीक है। x प्लस वन पहले से यहाँ पे है और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। चलो इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए लिखना है। जैसे प्रश्न 8 में आपने सीखा था कितने पद बनाए थे फलन के, 3 बनाए थे, यहाँ पर भी बन जाएंगे। होल घात कितनी है, 2 है, इसकी होल घात 1 है, जोड़ेंगे कितना मिला 3। तो इस एक पद के 3 पद बन जाएंगे, तो इसके 2 बन जाएंगे क्योंकि इसमें घातें कितनी है, 2। तो ए अपॉन कैसे बनाओगे, एक पद हो गया, अब आपको होल घात 2 ले लेना, दूसरा पद बन जाएगा, बन गया ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस सी अपॉन लिख देना है एक्स प्लस वन, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देख लेना, बेसिक में भी आपको बताया था। आगे बढ़ जाते हैं हम, अब रफ कर देते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। अब दो प्रश्न हो गए, एक प्रश्न हो गया 7 और एक प्रश्न हो गया 8, ठीक है, और एक प्रश्न हो गया अब 9। ये एक बिरादरी के हैं, आगे भी देखेंगे कि और भी इस तरीके से मिलेंगे घात छोटी बड़ी। तो आपको पता है लगाने का तरीका सेम है, आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, सेम टू सेम लाइनें वही लिखेंगे जो इसमें लिखे थे, जो इसमें लिखे थे वही इसमें लिखेंगे। देखो इसके बाद क्या करते हैं बताइए आप लोग, इसके बाद लघुत्तम लिया जाता है। समीकरण एक डालने के बाद आपको लघुत्तम ले लेना है, और लघुत्तम कितना लेना है आपको पता है, जितना पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फिर बता रहे हैं। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फाइव, लघुत्तम आपको उतना लेना है जितना यहाँ पे है, क्योंकि हमें कैंसिल करना है, समीकरण दो डालना है। देखो कैसे, तो यहाँ से देख के लिख लो चाहे यहाँ से देख के लिख लो, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, जितना यहाँ पे उतना ही लिख लो, क्योंकि ये जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब मैच करेंगे, गुणा होगा। देखो जैसे एक्स माइनस वन आपको दिख रहा है, एक घात मिल गई, एक घात बची है जो मैच नहीं हुई है, और एक्स प्लस वन भी मैच नहीं हुआ है। तो दो ब्रैकेट आपको लिखना है, एक घात मैच हुई होल घात, तो एक बची लिख लो, यहाँ पे ये मैच नहीं हुआ तो ऊपर गुणा होता है, ऊपर ही आपको लिखना है ऐसे करके। प्लस का भी यहाँ से देख लो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मैच हो गया, अब ये मैच नहीं हुआ है तो ऊपर गुणा कर दो, जो मैच नहीं हुआ है उसका ऊपर गुणा होगा, तो ऐसे करके लिखना है। अब देखो यहाँ पे प्लस का सी, अब देखो यहाँ पर किसका गुणा होगा, ऊपर एक्स प्लस वन मैच हो गया, जो मैच नहीं हुआ है उसका ऊपर गुणा होगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। लघुत्तम कैंसिल होने के बाद में जो भी लाइन आपको लिखना है समीकरण दो डाल देना है। कैसे, अब जो बचा है वही तो लिखोगे, तो 3x प्लस का 5 इक्वल ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस का बी एक्स प्लस वन प्लस का सी
एक्स माइनस वन, समीकरण दो डालो। जैसे ही लघुत्तम कैंसिल करना है आपको क्या डालना है, समीकरण दो डालना है, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है लिख लेना है, समीकरण दो डाल देना है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखो। अब आपको क्या करना है, हमने बताया था समीकरण दो किसके लिए होता है, प्रश्न में जब हमने आपको लिखवाया था, देखो हम आपको बता देते हैं, 3x+5, यहाँ से देख लो, 3x+5/x-1 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या है, ax+1 है, यही है। तो समीकरण दो जो है इसके लिए है, जब हम x का मान निकालते थे, जैसे प्रश्न 8 में भी बताया था, x का मान वहीं से निकलेगा, ब्रैकेट में अधिकतम घात x ही 1 हो, तो यहाँ पे 1 मिली, तो यहाँ से x का मान 1 मिला और यहाँ से कितना मिला, माइनस का 1 मिला, तो x के हमें कितने मान मिल गए, दो मान मिल गए। तो यहाँ से हमको मान पता चल जाएंगे दो, ठीक है, और हमें चाहिए कितने मान है, तीन मान चाहिए, एक छूट जाएगा, केवल दो ही मान ज्ञात कर सकते हो समीकरण दो से, तो एक मान की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है, अवरोही क्रम में लिखना है घातों को, ठीक है, गुणांकों की तुलना के लिए एक लाइन दो लाइन तीन लाइन लिखना पड़े, आपको लिख लेना है समीकरण दो के बाद गुणांकों की तुलना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3x+5=a, इसका इसमें इंटू करो तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है। इसको एडिटिज आपको लिख लेना है, b × x+1, यहाँ पे देखो x² - 2x+1, ठीक है। अब इसके आगे ना लिखो, अवरोही क्रम में अलग अलग पद आपको लिखना है, तो अलग पद a का हो गया, b का हो गया, c का हो गया, और हर एक पद में अवरोही क्रम होना चाहिए। इस पद में अवरोही क्रम है, इस पद में अवरोही क्रम है, इस पद में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी फिर उससे छोटी घात लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में अचर पद। अब देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब आपको मान निकालना है ए बी सी के, तो यहाँ से देखो जो ट्रिक बताई, एक्स का मान जैसे ही हम पहले रखेंगे 1, चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो, एक मान पता चल जाएगा, लेकिन कौन सा पता चलेगा ए बी सी में से, कोई फिक्स नहीं होता, जो मान पता चल जाए, हमें तो मान ही निकालना, चाहे पहले भी पता चले चाहे बाद में। तो देखो कौन सा पता चलेगा, तो x बराबर हम क्या रखेंगे 1, समीकरण दो में रखने पर, रखो समीकरण दो, तो यहाँ पर 3×1+5, जहाँ जहाँ x है आपको क्या रख लेना है, 1 रख लेना है समीकरण दो में, जैसे ही यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 - 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 0, अगर ये 0 हुआ तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ही हमने x बराबर 1 यहाँ पे रखा तो ये पद 0 नहीं होगा, लिखना पड़ेगा 1+1, यहाँ पे देखो प्लस का सी, जैसे ही आपने x बराबर 1 लास्ट वाले में रखा है 1 - 1 क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का c में इंटू करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 5×3 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 2b हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा, 2×4 8, b का मान हमें क्या मिल गया 4। तो हमने पहले ही बताया था कि कोई फिक्स नहीं होता है, तीन में से कोई सा निकलेगा, तो b का मान निकला है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक मान और बचा है -1, ठीक है, एक मान और निकलेगा, तो आपको क्या करना है, x बराबर -1 समीकरण दो में रखने पर, रखो समीकरण दो में, तो समीकरण दो यहाँ पे देखो 3×-1+5=, अब यहाँ पर आपको जैसे ही रखोगे -1 दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो -1+1 कितना होगा 0, तो 0 का इंटू करेंगे तो 0 ही मिलेगा, पहला पद 0 आया, एक्स बराबर -1 इसमें रखो समीकरण दो में, जैसे ही -1 रखा, -1+1 कितना हो गया 0, तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट वाले में, एक्स बराबर -1 रखो तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये मान बता देगा, देखो प्लस का सी -1 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 5 में 3 गया 2 मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 बराबर, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, तो 4c लिख लो। अब c का मान निकालो तो कितना मिलेगा, 2×1 2, 2×2 4, तो 1/2 मिला, तो तीनों मान पता चल गए, ठीक है, अभी नहीं पता चले, b और c पता चला, अभी a और निकालना है, दो मान यहाँ से पता चल गए थे ट्रिक से, तो दो ही तो मान निकाल पाए। अब जो मान नहीं निकला है
वो समीकरण दो के बाद में जो लाइन लिखते हो उसका यूज होगा, तभी तो बोलते हैं समीकरण दो के बाद जरूर आपको लाइन लिखना है अवरोही क्रम में हर एक पद में। अब एकामान गुणांकों की तुलना से निकालना है। देखो कैसे, आपके पास ऑप्शन है तीन, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक ले सकते हो, एक्स का गुणांक ले सकते हो, और कांस्टेंट टर्म का क्या ले सकते हो, कांस्टेंट टर्म की तुलना कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए गुणांक और एक्स के लिए गुणांक, कांस्टेंट टर्म की तुलना अचर पद के। तो यहाँ पर ऑप्शन तीन है और केवल ए का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, चाहे इसका यूज कर लो, चाहे इसका, चाहे इसका, किसी का एक का यूज करो, मान सेम निकलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ट्राई करना आप लोग, ए का मान सेम ही निकलेगा। तो हम एक यहाँ पे ले लेंगे। आपको क्या करते हैं, इसके लिए होमवर्क डाल देते हैं, चेक कर लेना जो हम बात बता रहे हैं, एक जैसा ही मान मिलेगा, एक्स स्क्वायर से भी, एक्स से भी और कॉन्स्टेंट टर्म से। तो आप क्या करना, आप लोग करना ट्राई, क्योंकि यहाँ पर करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो केवल एक्स स्क्वायर हम कर लेंगे गुणांक, गुणांक की तुलना। ठीक है, गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से। अब देखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है तो जीरो। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ए का इंटू करो तो ए मिलेगा। एक्स स्क्वायर देखना है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर है तो सी का इंटू करो तो सी एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमने बताया था जब भी गुणांकों की तुलना हो तो जो गुणे में होता है वही ले लेना है। तो सी का गुणा हुआ है तो सी आप लोग यहाँ पे लिख लेना ऐसे करके। अब जीरो बराबर ए प्लस सी आया है तो सी का मान पहले से पता चला है, तो रखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा। ए बी सी के मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चलो भाई यहाँ पे लिख लो ए कामा बी व सी के मान, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो ए का मान कितना मिला, -1/2 मिला। ठीक है, और बी का मान देखो कितना मिला, 4 मिला, यहाँ पे लिख लेना है। और सी का मान कितना मिला, यहाँ से देख लो 1/2 मिला। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके आगे हम रफ कर देते हैं, और समीकरण एक भी आप लोगों को रफ कर देना है, आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समाकलन करना है, ए बी सी के मान निकाल लिए, लॉन्ग आंशिक भिन्न का यूज हुआ है यहाँ पे, छोटी बड़ी घात थी इसलिए, अगर एक जैसी घात मिल जाती होल घात में और ब्रेकेट के अंदर तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज करके एबीसी के मान निकाल लेते हैं। लेकिन क्या करें, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, प्रश्न में देखते हैं छोटी बड़ी घात है कि सेम टू सेम है। तो दो तरीके से आंशिक भिन्न यूज होती है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या लिख देना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लेकिन पहले सरल कर लो उसके बाद समाकलन करना। कैसे, ये दो नीचे ले लो, उसका दो नीचे ले लो, फिर उसके बाद समाकलन करना है। तो 3x+5/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+1/(-1/2)(x-1)+ का 4/(x-1) का होल स्क्वायर +1/(2)(x+1)। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ पे देखो 3x+5/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x+1 dx, यहाँ पे आ जाओ लिख लो -1/2 × x-1+ का 4/(x-1) का होल स्क्वायर +1/2 × x+1। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करना है, आपको समाकलन करना है, x के सापेक्ष ही होगा, लिखो या ना लिखो, क्योंकि व्यंजक एक्स में है ना इसीलिए। अब देखो यहाँ पर जब लिखा जाता है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो बराबर के इस तरफ पूरा पूरा प्रश्न बनता है जिसका आपको समाकलन करना है, 3x+5/(x³-1)x²-x+1। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कर लिए थे तब इतना आया था, तो आपको वही लिखना है जो प्रश्न में है, वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, तो 3x+5 अपॉन क्या है, x³,
एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स प्लस का वन। जो प्रश्न पूछा गया है वही आपको लिखना है यहाँ पे। तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे अलग अलग पद का समाकलन करना है। कितने पद हैं? एक दो तीन, तीन पद हैं, तीनों का अलग अलग करो। तो इसमें इसका करेंगे, इसमें माइनस वन अपॉन टू आगे कर लो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, इसमें चार आगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉन टू आगे कर लो, वन अपॉन एक्स प्लस वन का आपको करना है समाकलन, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे एक घात के लिए फार्मूला आपको याद है, लॉग मोड एक्स, वही यहाँ पे यूज करना है। तो माइनस वन अपॉन टू लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, चार अगर चेंज है तो अपकलन करते हैं अपॉन में, एक्स का वन, वन का जीरो। यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन याद कर लेना डायरेक्ट, माइनस वन अपॉन एक्स होता है प्लस सी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी होता है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर इंटू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, लिख दिया। और ये चार अगर चेंज है तो अपकलन होगा अपॉन में, ठीक है। ये बात हमने प्रश्नावली 7.1 में, प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.3 में बताई थी। तो चर चेंज है, अपकलन करो, एक्स का वन, वन का जीरो, जैसे यहाँ पे अपकलन हुआ ना अपान में, वैसे ही आपको वहाँ पे करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का वन अपान टू, यहाँ पे देखो वन अपान एक्स का क्या होता है समाकलन, लॉग मोड एक्स होता है। तो हमने लिख दिया जितना यहाँ पे, अब अपकलन करना है अपान में, एक्स का वन, वन का जीरो, प्लस का सी, समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर देते हैं। अब आपको सही से लिख लेना है, माइनस वन अपान टू लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन, हल कर रहे हैं। अब वहाँ पे देखो, प्लस वन अपॉन टू लॉग मोड एक्स प्लस का वन और प्लस का सी। अब देखो आंसर शीट यहाँ पे छोड़ेंगे कि लघु गणक के फार्मूले यूज़ करेंगे। अगर गुणांक लॉग का सेम टू सेम मिल जाता है तब आपको लघु गणकीय फार्मूले यूज़ करना है। इस लॉग का गुणांक एक बटा दो है, इस लॉग का एक बटा दो गुणांक है, तो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है आगे फार्मूला लगा के छोड़ना है। इसको तो आईटीटीज लिखना है, इसमें लग जाएगा, गुणांक एक जैसे हैं, तब आपको क्या करना है फार्मूला यूज कर लेना है जो याद है आपको, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है बराबर में लॉग एम बटे एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन होता है। चलो इसके आगे देखो अब करेंगे कैसे फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर वन अपॉन टू कॉमन ले लेना है, यहाँ पे क्या ले लेना है, वन अपॉन टू कॉमन ले लेना है, प्लस का पहले लिख लो, लॉग मोड एक्स प्लस का वन, लिख लिया ना, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे केवल और केवल किस में लिया था कॉमन, इसमें लिया था लॉग में, तो माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन एटीडीज आपको लिखना है और प्लस का सी। अब इसमें लगा लो फार्मूला, वन अपॉन टू लॉग एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, ठीक है, तो इसका मोड अलग आएगा, इसका मोड अलग आएगा, ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे होल मोड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस का सी, ठीक है, तो वन अपॉन टू आपको क्या करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल मापांक यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बता देते हैं, आपने पढ़ा होगा जेड वन अपॉन जेड टू का होल मापांक बराबर क्या होता है, जेड वन का मापांक जेड टू का मापांक। अगर अंश बटे हर में आपको मापांक मिल जाता है, अगर अंश बटे हर में आपको मापांक मिल जाता है तो अंश का अलग और हर का अलग होता है। तो यहाँ पे अंश और हर का अलग है, तो हमने क्या किया होल मापांक यूज कर लिया। ये फार्मूला होता है क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा। ये हो गया कम्प्लीट, और इसके बराबर ये प्रश्न लिख लेना है आपको, थ्री एक्स प्लस का फाइव अपॉन एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। देखो जिसका समाकलन पूछा गया था वही यहाँ पर आपको लिखना है, और ऐसे करके बॉक्स में आपको बंद कर देना है। ये आंसर शीट आ गए, प्रश्न कितना आठ हो गया, नौ हो गया, आप दस देखो, दस देखो, इसको हम रफ कर रहे हैं, दस आंशिक भिन्न कौन सी यूज होगी, शॉर्ट में होगी कि लॉन्ग में, इसको पहले हम रफ कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं।
इसको भी हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिख लो, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको प्रश्न 10 का यूज करना, मतलब प्रश्न नंबर 10 लिख लेना है और समाकलन करना है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है, समाकलन और डीएक्स के बीच में क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है। क्या वहां पे लिखा है, 2x-3 अपॉन x² - 1, ठीक है, और इंटू में 2x+3, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब देखो थोड़ा सा हल करेंगे, चेक करेंगे कि शॉर्ट में आंसर में यूज होगी कि लॉन्ग में यूज होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x-3 अपॉन, यहाँ पे फार्मूला लगा लो, a+b (a-b), क्योंकि a² - b² होता है, a+b (a-b). यहाँ पे देखो 2x+3 लिख लिया। अब आपको देख लेना है यहाँ पे घात, अगर घात क्या है, समान है, घातें समान हैं, तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज करना है। चलो देखो, आंशिक भिन्न आपको यूज करना है, लेकिन घातें समान हैं तो शॉर्ट में हो जाएगी। देखो यहाँ पे घात कितनी मिली, इस ब्रैकेट में 1 मिली, यहाँ पे कितनी मिली ब्रैकेट में, x ही अधिकतम घात 1, ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी मिली 1, और बराबर है, और होल घात देख लो, यहाँ पे 1 है, होल घात भी देख लो 1 है, यहाँ पे होल घात 1 है, यहाँ पर भी, तो होल घात भी बराबर है और ब्रैकेट के अंदर भी एक सी घातें बराबर हैं। तो आपको शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे आपको लिख लेना है आंशिक आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, तो कैसे लिखना है शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। जैसे x+1 के लिए कितने पद बनाना है, इतना तो पता ही होगा, होल घात इसकी 1 है, इसकी होल घात 1 है, इसकी होल घात 1 है, कितना हुआ टोटल 3 हुआ, तो 3 पद बन जाएंगे। तो पहला पद ऐसे करके आपको लिख लेना है, ठीक है, प्लस। अब दूसरा पद आपको लिख लेना है यहाँ पे इसके लिए, अब तीसरा पद आपको लिख लेना है इसके लिए, ठीक है, ऐसे करके ए और बी और सी के मान डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि घातें समान है ना, इसलिए घातें जब छोटी बड़ी होती हैं तो लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करते हैं। जैसे प्रश्न 9 और 8 लगाया था, वो लॉन्ग आंशिक भिन्न यूज की थी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। देखो जब हम इस एक पद को 3 पद में चेंज कर रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब ए बी सी के मान निकालेंगे तब इससे मतलब होगा 2x-3 से। तो यहाँ पे देख लो, देखो जब आपको मान निकालना है तो आपको क्या करना है, छुपाते हैं, छुपाने वाली विधि भी बोलते हैं इसे, छुपाने वाली विधि। घातें अगर समान है तो शॉर्ट में एक विधि है, छुपाने वाली विधि, वैसे किताब में कहीं नहीं लिखी है, हम अपने पास से बना देते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नाम दे दिया है छुपाने वाली विधि। देखो कैसे, ए का मान निकालना है आपको, ए के अपॉन कितना है, x+1 है, तो आपको x+1 छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये 0 हो जाए ब्रैकेट, तो x के स्थान पे क्या रखते हैं बताइए, -1 रखो तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, -1 रखने पर ये ब्रैकेट 0 हो जाए। अब छुपा लो, अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, x-1 रख देना है। तो जब यहाँ पे रखोगे -1 -2 मिलेगा, और यहाँ पे रखोगे -1 रखोगे -1 -1 कितना हुआ, -2 हुआ, यहाँ पे जब रखोगे -1 -2 +3 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो थोड़ा सा हल करो, ऊपर क्या मिला, -2 -3 -5 अपॉन -2, आपको दिख रहा होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 5/2 मिला, तो ए का मान हमें पता चल गया 5/2। ऐसे करके आपको निकालना है, छुपाने वाली विधि बोलते हैं। अब इस ब्रैकेट को छुपाना है तो पहले 0 बनाओ,
एक्स के स्थान पर आपको कितना रखना है कि ये ब्रैकेट जीरो हो जाए, वन रख दो, तो वन रखने पर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब छुप जाएगा, जब जीरो हो जाता तब छुप जाता है। अब जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखना है, वन रखना है, यहाँ पे वन रखो, दो माइनस का तीन मिलेगा, यहाँ पे वन रखो तो वन प्लस का वन मिलेगा, यहाँ पे वन रखो तो दो प्लस का कितना मिलेगा, तीन मिलेगा, ठीक है, ऊपर माइनस वन मिला, नीचे दो गुणे पाँच, तीन प्लस दो पाँच हुआ, ऊपर माइनस वन नीचे दो, तो कितना मिला, माइनस वन अपॉन टेन, बी का मान पता चल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सी का मान निकालना है, क्योंकि सी के बटे टू एक्स प्लस थ्री है, तो टू एक्स प्लस थ्री को छुपाओगे तभी तो सी का मान निकलेगा, तो कैसे छुपेगा, एक्स का मान कितना यहाँ पे रख दे बताओ, जैसे अपने पास से रख रहे हैं ऐसा नहीं है, यहीं से निकलता है, देखो जैसे टू एक्स प्लस का थ्री इक्वल जीरो कर लो, तो टू एक्स इक्वल माइनस का थ्री और एक्स इक्वल माइनस का थ्री अपॉन टू, तो एक्स का मान हमें पता चल गया, माइनस का थ्री अपॉन टू रखने पर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो माइनस थ्री अपॉन टू रखेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा जीरो, छुपा लिया। अब जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखना है, माइनस थ्री अपॉन टू रखना है, रखो माइनस का थ्री अपॉन टू, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ पर है, रख लिया। अपान में देखो यहाँ पे रखो माइनस का थ्री अपॉन टू प्लस का वन, यहाँ पे रखो माइनस का थ्री अपॉन टू माइनस वन, थोड़ा हल करेंगे तो सी का मान पता चल जाएगा, दो से दो कैंसिल, माइनस का तीन माइनस का तीन माइनस का छः अपॉन दो एकम दो, तो माइनस एक बटा दो मिलेगा, ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस पाँच बटे दो, ये ऊपर चला जाएगा, दो दूनी चार, चार छंग चौबीस, ठीक है, एक माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, तो चौबीस बटे हमें कितना मिला है, पाँच, तो लिख देना सी का मान चौबीस बटे पाँच। अब अलग अलग आपको समाकलन कर लेना है, अब हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी के मान निकल आए ना, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब देखो आप लोग करोगे कैसे, आई बराबर ए का मान पता चल गया हटा दो, तो पाँच बटे दो एक्स प्लस वन, जब मान पता चल जाए तो आपको हटा देना है ए बी सी को, तो प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ जाओ, चौबीस बटे पाँच इंटू टू एक्स प्लस का थ्री। अब आपको समाकलन करना है, कितने पद हैं यहाँ पे, तीन पद है, तीनों का अलग अलग समाकलन करना है, तो पाँच बटे दो आगे लिख लो, वन अपॉन एक्स प्लस वन का समाकलन करना है, यहाँ पे माइनस वन अपॉन टेन अलग लिख लो, आगे एक्स माइनस वन का समाकलन करना है चौबीस बटे पाँच, यहाँ पे वन अपॉन टू एक्स प्लस का थ्री इसका समाकलन करना है। चलो भाई, तो यहाँ पे पाँच बटे दो इसका समाकलन पता है, होल घात एक में फार्मूला बनाया गया लॉग मोड एक्स का, चल चेंज है, अपकलन करो एक्स का वन, वन का जीरो, यहाँ पे आ जाओ माइनस वन अपॉन टेन, वन अपॉन एक्स की घात, होल घात कितनी है एक, तो एक के लिए फार्मूला बनाया गया है लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, अब चल चेंज है, अपकलन करो एक्स का वन और वन का जीरो, यहाँ पे आ जाओ चौबीस बटे पाँच, क्या मिला है चौबीस बटे पाँच, इसकी होल घात कितनी है वन है ना, तो लॉग में फार्मूला यूज कर लो, अब अपकलन करो, यहाँ से दो मिलेगा एक्स का वन और तीन का क्या रहेगा जीरो, समाकलन होने के बाद सी को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट करो, अब इसके आगे थोड़ा सा हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कैसे लिखना है इसको भी हम रफ कर देते हैं, लॉग के आगे गुणांक देखना है, अगर गुणांक एक जैसे हैं तो लॉग एम बटे एन या लॉग एम एन का फार्मूला लग जाएगा, अगर गुणांक अलग अलग हैं तो एडिटिज आपको लिख देना है, जो भी मिल जाए, तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है पाँच बटे दो लॉग मोड एक्स प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ माइनस वन अपॉन टेन लॉग मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस चौबीस बटे पाँच, यहाँ पे क्या मिला, हाँ दो से काट लो, ये दो बचा, दो से काट लो, चौबीस कितना हो जाएगा बारह बटे पाँच, यहाँ पे काट लो, दो एकम दो, दो दूनी चार, बारह बटे पाँच लॉग टू एक्स प्लस का कितना मिलेगा थ्री मिलेगा, ठीक है, और प्लस का सी, देखो गुणांक देखो, इसका गुणांक बारह बटे पाँच है, बारह बटे पाँच है कहीं नहीं है, एक बटा दो, एक बटा दस इस लॉग का गुणांक है कहीं है, एक बटा दस नहीं है, पाँच बटे दो है कहीं नहीं है, तो ऐसे ही अंतरिक्ष छोड़ दो, अगर गुणांक एक जैसा मिल जाता तो लॉग एम बटे एन या लॉग एम एन का फार्मूला यूज कर लेते हैं, गुणांक अलग अलग हैं तो अंतरिक्ष ऐसे ही आपको छोड़ देनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11 की बात करेंगे,
प्रश्न किसकी बात करेंगे? 11 की बात करेंगे। यहाँ पे 10 हो गया, अब 11 देखो, आपको लिख लेना है आई बराबर। थोड़ा सा फास्ट करवाते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो आई बराबर, तो यहाँ पर 5x/(x+1) (x²-4) और dx, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? हाँ वही आंशिक भिन्न चेक करना है, शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में होगी। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जो है लाइक कर दिया करो। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सभी स्टूडेंट क्या करो लाइक। और नए जो स्टूडेंट हैं वीडियो को जैसे लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो नए स्टूडेंट है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं ये बार बार कहने का नहीं होता है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कर लिया करो। और जैसे इंटर के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर नाम से सर्च करते हैं, हम आपको बता देते हैं कैसे आपको सर्च करना है। इंटर का मिल जाएगा आपको सिलेबस, मैथ वाई मानव सर, मैथ वाई मानव सर, ठीक है। ये अगर आप लोग सर्च करोगे फिर भी आपको मिल जाएगा। आगे लिख लेना है क्लास 12th या कक्षा 12 गणित। तो नाम से अगर सर्च कर रहे हो फिर भी आपको 12th का मिल जाएगा पढ़ने को, जो भी हमने पढ़ाया है। तो प्रश्न नंबर 11, आई बराबर 5x/(x+1)(x²-4). देख लो आंशिक भिन्न जो है लॉन्ग में यूज होगी कि शॉर्ट में होगी। पहले गुणनखंड कर लो, यहाँ पे x²-4 है तो a²-b² का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो 5 को आगे लिख लो भाई, क्योंकि आपको पता है समाकलन और dx के बीच में आपको जो भी यहाँ पे फलन दिया गया है x में ही आपको लिखना है। अगर इंटू हो रहा है अचर का तो आगे लिख लो, तो x/(x+1)(x²-4dx), ठीक है। इतना लिखने के बाद और यहाँ पे लगा लो फार्मूला भी लगा लो साथ में, a+v(a-v), ऐसा करके यूज कर लो। अब देखो घात, पहले ब्रैकेट के अंदर घात देखो, पहले यहाँ पे लिखते हैं फिर बाद में आपको बताएंगे कि आंशिक भिन्न का शॉर्ट में यूज होगा कि लॉन्ग में होगा। आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर देखो यहाँ पे, तो घात देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 मिलेगी x की घात, यहाँ पे 1 मिली और यहाँ पे 1 मिली, तो तीनों ब्रैकेट के अंदर देखें x की अधिकतम घात क्या है, समान है। अब होल घात देख लो, 1 1 1 होल घात क्या है, बराबर है। तो आपको पता है शॉर्ट में आंशिक भिन्न का यूज हो जाएगा। छुपाने वाली विधि यहाँ पे यूज करेंगे, देखो i बराबर 5 को ऐसे ही लिखना है आपको, और आपको पता है इसके लिए a/ लिख लेना है, और इसके लिए दूसरे वाले पद के लिए v/ लिख लेना है, और तीसरे वाले पद के लिए c/ लिख लेना है, ठीक है। ये आंशिक भिन्न में वियोजित आपको करना है, ऐसे करके आपने सीख लिया, ठीक है। अब देखो छुपाने वाली विधि देखो, क्योंकि यहाँ पर हो घातें ब्रैकेट के अंदर भी समान है, होल घात भी समान है, तो शॉर्ट में आंशिक भिन्न यूज हो जाएगी। देखो कैसे, यही सीख लेना है, ठीक है। देखो कैसे, अब आपको ये छुपाना है, एक्स का मान ऐसा यहाँ पे कितना रख दें ये छुप जाए, यहीं से मान निकाल लो। जो बच्चे कमजोर हैं नहीं जानते हैं, निकाल लो यहीं इसी ब्रैकेट से निकाल लो एक्स का मान, तो कितना मिला, -1 मिला। तो -1 आपको यहाँ पे रखना है तभी ये 0 बनेगा। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि x=-1 सर इसमें रख दो, ये 0 हो जाएगा ब्रैकेट। जब 0 हो जाए तो आपको छुपा लेना है। अब जहां जहां एक्स है कितना रखना है, -1 रखना है जहां जहां एक्स है। तो यहाँ पे रखो -1+2, यहाँ पर भी रखो -1 -2, तो -1/(-1) यहाँ पे 1 मिलेगा, और इंटू में यहाँ पे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर दें तो 1/3 मिल जाएगा, यहाँ पे एक का मान पता चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को 0 बनाना है, एक्स का मान कितना यहाँ पे रख दें, -2 रख दें, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। छुपा लो यहाँ पे, अब जहां जहां एक्स है -2 रख लो, -2+1 यहाँ पे रखो, -2, ठीक है। जहां जहां इसके अलावा जहां जहां एक्स है वहां पे रखना है आपको -2, रख लिया यहाँ पे, रख लिया -2 यहाँ पे, भी रख लिया -2, ठीक है। हल करो तो -2/(-1) यहाँ से मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा,
अगर माइनस से माइनस, एक माइनस कैंसिल कर लो, एक बचेगा तो माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि कैंसिल कर लो दो दूनी चार, तो माइनस वन अपॉन टू मिल जाएगा। ठीक है, ये मान पता चला हमें बी का। अब देखो सी का मान, सी के बटे क्या है, एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू आपको छुपाना है। ये तभी छुपेगा जब ये ब्रेकेट जीरो हो जाए। तो एक्स का मान कितना रख दें यहाँ पे, दो रख दो, जीरो हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है दो रखो, दो बटे दो प्लस एक, यहाँ पर भी रखना है दो, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, रख लिया। अब थोड़ा सा हल करो, दो बटे यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे चार होगा, तो दो दूनी चार कितना मिला, वन अपॉन सिक्स मिला, तो वन अपॉन सिक्स। ठीक है, ऐसे करके मान पता चल गए। जब मान पता चल गए हैं, अब आपको समाकलन करना है, अलग अलग पद का करना है। पहले ए बी सी हटा दो, क्योंकि मान जब पता चल जाते हैं तो हम हटा देते हैं ए को बी को सी को। अपान में थ्री ले लो, क्योंकि अपान में ही जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसमें टू नीचे आएगा, यहाँ पे छः नीचे आएगा। ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब आपको अलग अलग पद का समाकलन करना है। आई बराबर पहले पद का करोगे तो पाँच बटे तीन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके इसमें पाँच का इंटू कर लो तो पाँच बटे दो, वन अपॉन एक्स प्लस का टू, इसका समाकलन करना है। इसका इसमें इंटू करो, पाँच बटे छः, वन अपॉन एक्स माइनस दो, इसका समाकलन करना है। अब आगे देखो, मार्कर थोड़ा सा ले लेते हैं दूसरा। तो आई बराबर पाँच बटे तीन, होल घात वन में है, लॉग में फार्मूला होता है, आपको पता है। अपान में अपकलन करो, एक्स का वन, वन का जीरो, यहाँ पे आ जाओ, पाँच बटे दो, यहाँ पे होल घात एक है, होल घात एक के लिए फार्मूला बनाया गया है, लॉग मोड ई एक्स प्लस टू। अब आपको यहाँ पे अपकलन करना है, चार चेंज है इसीलिए। ठीक है, ऐसे करके अपकलन करना है, प्लस पाँच बटे छः लॉग मोड एक्स माइनस का टू, अपकलन करो, चर चेंज है, पहले होल घात एक के लिए फार्मूला लगा लिया, चर चेंज है, अपकलन करो, एक्स का वन, दो का जीरो, प्लस का सी। अब थोड़ा सा हल करेंगे, अगर लॉग के गुणांक एक जैसे हैं तो फार्मूला लघुगणक का लग सकता है, लॉग एम बटे एन का या लॉग एम एन का, देखेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, आंसर शीट आ जाएगी। इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखो करना क्या है, तो आई बराबर फाइव अपॉन थ्री, और अपान में वन है, आई टी डी लिखना है, लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का फाइव अपॉन टू है। ठीक है, यहाँ पे आई टी डी आपको लिखना है, लॉग एक्स प्लस का टू। ठीक है, और प्लस का फाइव अपॉन सिक्स है, यहाँ पे देखो लॉग मोड एक्स माइनस का टू लिखना है, और प्लस का सी। इतना लिखने के बाद अब देखना है, आंसर शीट यहीं पे छोड़ी जाएगी कि थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। लॉग के गुणांक देख लो, यहाँ पे पाँच बटे छः, पाँच बटे दो है, पाँच बटे तीन है, तो सभी में देखा अलग अलग गुणांक है, तो अलग अलग गुणांक है तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगी आंसर शीट। अगर गुणांक एक जैसा होता तो कॉमन लेके फार्मूला लग जाता, गुणांक अलग है तो ऐसे ही आप लोग छोड़ दो आंसर शीट। अब देखो इतना नोट करने के बाद अब प्रश्न नंबर अगला जो है उसको हल करवाएंगे। यहाँ पर 11 हो गया, अब 12 देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 11 हो गए, 12 में देखो एक्स क्यू प्लस का एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन, यही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर आई बराबर आपको लिख लेना है समाकलन और डीएक्स के बीच में आपको व्यंजक लिखना है। तो क्या है, एक्स क्यू प्लस का एक्स प्लस का वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रश्न 7.5 में कोई सा प्रश्न आपको हल करना है, समाकलन करना है, तो आपको भाग विधि जरूर देखना है, क्योंकि सबसे पहले भाग, उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो भाग अगर जाता है, सबसे पहले भाग देना है, उसके बाद आंशिक भिन्न यूज करना है, उसके बाद समाकलन करना है। अभी तक चेक नहीं किए थे हमने कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ पे आठ प्रश्न नंबर आठ है, इसमें भाग नहीं जा रहा था तो हमने बताया भी नहीं था। प्रश्न नंबर नौ में भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि भाग तभी जाता है जब अंश की घात बराबर या बड़ी होती है हर से, तब भाग दिया जाता है। प्रश्न नंबर दस की बात करें, यहाँ पर अंश की घात कम है और हर की घात ज़्यादा है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, अंश की घात बड़ी है और हर की घात क्या है, छोटी है। अधिकतम घात अंश में तीन है, हर में कितनी है, दो। अब यहाँ पे भाग जाएगा, तो भाग जाएगा, सबसे पहले भाग देना है। ठीक है, भाग विधि यहाँ पे यूज होगी, प्रश्न नंबर दस में भाग विधि यूज होगी। तो देखो कैसे, पहले तो भाग दे दो, उसके बाद
हम आंशिक भिन्न यूज करेंगे। चलो हमें चाहिए एक्स क्यू चाहिए, क्योंकि अधिकतम घात जो होती है उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें एक घात की जरूरत है, तो यहाँ पे एक्स लिख लो, ठीक है। अब इसमें इंटू कर लो, ये मिल जाएगा। इतना लाना है, पहला पद कैंसिल आपको करना पड़ेगा 100%। तो एक्स का इसमें इंटू करो तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करें तो एक्स, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। चिन्ह बदलना पड़ेंगे आपको, ये प्लस कर लो, प्लस का एक्स, प्लस का एक्स, प्लस का टू एक्स, प्लस का वन। अब भाग जाएगा बताओ? नहीं जाएगा, क्योंकि घात कम है। घात इसे क्या है? अंश, ये अंश है। अंश की घात अगर कम है तो भाग नहीं जाएगा। देखो यहाँ से, यहाँ पे घात दो, यहाँ पे एक है, अब भाग नहीं जाएगा। भाग तभी जाता है जब अंश की घात बराबर या बड़ी होती है हर से, तो भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पे घात कम हो गई, अब भाग नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, आपको नंबरिंग कर लेना है, एक नंबर और ये दो नंबर और ये तीन नंबर। तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है? वन एक नंबर प्लस माइनस 2/3 नंबर, ऐसे करके। अगर शेषफल प्लस का है तो प्लस आएगा, अगर शेषफल माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा। तो आई बराबर आपको लिख लेना है एक नंबर यहाँ पे, ठीक है। शेषफल प्लस है, प्लस तो 2 नंबर ऊपर और तीसरा वाला नीचे, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको अलग अलग समाकलन करना है। देखो आई बराबर इसका अलग करना है, दो पद हैं दोनों का अलग अलग करना है, इसका अलग करना है, हो गया। अब देखो इसमें लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, लग जाएगा। हमने बताया था गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो कर लिया करो, ठीक है। तो तब तक आपको पहले पद का समाकलन करना है। एक्स का कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा। यहाँ पे आ जाओ, 2x प्लस का 1/ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें हमने यूज कर लिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। अब देखो आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न, मार्कर चेंज कर लेते हैं। आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में क्या करने पर? वियोजित करने पर। अब देखो लॉन्ग की लगेगी कि शॉर्ट की लगेगी? यहाँ पे शॉर्ट लिख देते हैं और यहाँ पे लॉन्ग लिख देते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा आंशिक भिन्न शॉर्ट यूज करेंगे कि लॉन्ग। हम आपको ट्रिक बता देंगे कि शॉर्ट में यूज होगी कि लॉन्ग में। अब देखो इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आई बराबर आपको पहले चेक कर लो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में देखो घात, एक्स की अधिकतम घात इस वाले ब्रैकेट में 1 मिली। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो एक्स की अधिकतम घात कितनी मिली? 1। तो घात बराबर है ब्रैकेट के अंदर। अब होल घात देखो, वो भी बराबर होना चाहिए, होल घात 1 है, होल घात 1 है, बराबर है। तो अंदर की घात भी बराबर है और होल घात भी बराबर है। तो शॉर्ट में आपको आंशिक भिन्न यूज करना है, ए बी सी के मान शॉर्ट में निकलेंगे। देखो कैसे निकलेंगे, आई बराबर आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस इसके कितने पद बनाना है देख लो। कैसे पता करोगे कितने पद बनेंगे इस पद के? होल घात एक है, ठीक है। दूसरे वाले ब्रेकेट की होल घात कितनी है? एक है। तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2। तो हमें कितना मिला? 2। दो पद बन जाएंगे इस फलन के। देखो कैसे, पहले हम x माइनस 1 के लिए a लिख देते हैं, फिर प्लस x प्लस 1 के लिए हम b लिख देते हैं, दो पद बन गए, ठीक है। देखो 2x प्लस 1 से अभी मतलब नहीं होता है, जब हम पद बनाते हैं मतलब तब होता है 2x प्लस 1 का, जब हम मान निकालेंगे a b c के, तब मतलब होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं एक पद को दो या तीन पदों में, तब यूज नहीं होता है जो भी अंश में लिखा हो, व्यंजक यूज नहीं होता। व्यंजक भी बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है? मान निकालना है। देखो कैसे, अब यहाँ पे छुपाने वाली विधि यूज हो जाएगी, मार्कर रख देते हैं। देखो आपको इसे छुपाना है, ये कब छुपता है? जब जीरो हो जाता है। एक्स का मान ऐसा कितना यहाँ पे रख दें, ये जीरो बन जाए, 1 रख दो, ये 0 हो गया। अब जहां जहां x है आपको कितना रखना है? 1 रखना है। यहाँ पे रखो
दो इंटू वन प्लस का वन, जहाँ जहाँ एक्स है वन रखो, तो हल करो, दो एकम दो, एक तीन बटे दो, तो ए का मान कितना मिला, तीन बटे दो, ठीक है। अब आपको बी का मान निकालना, बी के बटे क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को छुपा लो, छुपेगा तभी जब इसे आप जीरो बनाओगे, एक्स बराबर कितना रख दें, माइनस वन, जीरो हो गया। अब आपको छुपा लेना है, अब जहाँ जहाँ एक्स है माइनस वन आपको रखना है, दो माइनस वन प्लस का वन अपॉन, जहाँ जहाँ एक्स है आपको दिख रहा होगा टू एक्स है, टू इंटू माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। थोड़ा सा हल करो तो माइनस का वन ऊपर मिलेगा, क्योंकि दो का गुणा एक में करोगे, माइनस दो प्लस का वन, माइनस वन अपॉन माइनस का दो, कैंसिल कर लो, तो एक बटा दो मिला। ऐसे करके मान निकालना है, मार्कर उठा लेते हैं। अब ए बी सी के मान मीन्स ए बी के मान पता चल गए, अब टोटल हम रफ कर देते हैं। अब वहां पर समाकलन आपको करना है, हटा देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, आई बराबर इसको तो एटीडीज आपको लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू को, यहाँ पे देखो जब ए का मान पता चल गया ना और बी का मान, तो हटा दो, क्या करोगे, थ्री अपॉन टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब दो पद हैं, दोनों का समाकलन करना है अलग अलग, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसका करोगे तीन बटे दो आगे कर लो, अपॉन में एक्स माइनस वन इसका समाकलन करना है, इसमें एक बटा दो आगे कर लो, वन अपॉन एक्स प्लस वन का समाकलन करना है। चलो भाई, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का थ्री अपॉन टू, एक घात में फार्मूला क्या होता है बताइए, एक घात में लॉग का होता है, तो लॉग मॉड एक्स माइनस वन, अपकलन करो, चर चेंज है, एक्स का वन वन का जीरो, यहाँ पे आ जाओ, होल घात एक है, इसमें भी लॉग का लग जाएगा फार्मूला, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, लिख दिया ना, चर चेंज है, अपकलन करो, एक्स का वन वन का जीरो प्लस का सी। थोड़ा और हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी, तो थ्री अपॉन टू इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस का वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस का वन प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे छोड़ेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आगे तभी ये लाइन बढ़ेगी जब लॉग के गुणांक एक जैसे हैं, क्योंकि वहीं पे फार्मूला लगेगा, लॉग एम बटे एन या लॉग एम एन का, तो देख लो लॉग के, लॉग का गुणांक वन अपॉन टू यहाँ पे नहीं है, अलग अलग है, केवल और केवल लॉग वाला ही पद देखना है और लॉग का ही गुणांक देखना है, क्योंकि उसी में फार्मूले लगते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये एटीडीज लिखा रहेगा, तो वन अपॉन टू यहाँ पे नहीं मिला, तो गुणांक क्या है, अलग अलग है, तो आंसर शीट यहीं पे आपको छोड़ना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, 13 देख लो, प्रश्न 12 तो हो ही गया, आप लोग नोट कर लो, लास्ट प्रश्न है, वो भी करवा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, समाकलन और डीएक्स के बीच में क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, दो बटे वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस का एक्स स्क्वायर, इतना आपको लिखना है, लिख लिया, पहले दो को आगे लिख लो, हमने दो को क्या कर दिया, आगे लिख लिया, ठीक है, वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका आपको करना है समाकलन। आंशिक भिन्न का यूज करेंगे, आपको पता है आंशिक भिन्न कब यूज होती है, जब दो या दो से ज्यादा ब्रेकेट मिलते हैं हर में, तो आंशिक भिन्न का यूज होता है, तो यहाँ पे दो ब्रेकेट मिल गए, हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले देख लो भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि अंश में एक्स का पद नहीं है, तो भाग नहीं जाएगा, अगर जाता तो पहले भाग देते, बाद में हम आंशिक भिन्न यूज करते, उसके बाद में समाकलन करते, तो भाग नहीं जाता है इसमें। अब आपको आंशिक भिन्न में इसे कन्वर्ट करना है, आंशिक भिन्न में यहाँ पे लिख देते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, चलो आंशिक भिन्न में वियोजित आप लोग करो, तो आई बराबर, नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं तब आई बराबर लिखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक घात है ब्रेकेट के अंदर, और इस ब्रेकेट के अंदर कितनी घात है, दो है, तो ये बराबर नहीं है, जब छोटी बड़ी घात मिलती हैं, चाहे ब्रेकेट के अंदर हो चाहे होल घात हो, अगर छोटी बड़ी मिलती हैं तो आपको लॉन्ग में, किसमें, लॉन्ग में आंशिक भिन्न यूज करना है, ये बात आपको पता हो, तो आई बराबर नहीं लिखेंगे, आपको कितना लिखना है यहाँ पे, दो बटे, अब आपको दो यहाँ पे कर लेना है, पूरा पूरा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, वन प्लस का एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कैसे, यहाँ पे ए के बटे लिखा जाएगा ऐसे करके, तो
और यहाँ पे द्विघात है, इसमें दो पद आएंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिखना है। देखो द्विघात में दो पद ऊपर आते हैं अंश में, एक घात में एक पद आता है। समीकरण एक डालना है, क्या डालना है? समीकरण नंबर एक डालना है। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि समीकरण एक डालने के बाद लघुत्तम लिया जाता है। लघुत्तम लेंगे, कितना लेंगे? जितना यहाँ पे होता है उतना ही आप लोग लघुत्तम लेना है। तो यही देख के लिख लो, स्टेप में आपको बता ही चुके हैं प्रश्न आठ में नौ में, जैसे प्रश्न आठ नौ हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं। ठीक है, लघुत्तम उतना ही लेते हैं जितना यहाँ पे होता है, क्योंकि कैंसिल करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ए के ऊपर इंटू होगा तो वन माइनस एक्स आपको मिला, ये मैच हुआ। जो मैच नहीं होता है उसी का ऊपर गुणा होता है। अब यहाँ पे देखो बी एक्स प्लस का सी है, अब यहाँ पे देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर मैच हुआ है, जो मैच नहीं हुआ है उसी का ऊपर गुणा होता है। तो मैच नीचे से करते हैं गुणा ऊपर करते हैं, तो वन माइनस एक्स का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम उतना ही लेते हैं यहाँ पे जितना यहाँ पे होता है, क्यों? कैंसिल करना पड़ता है, चाहे यहाँ से ले लो इतना ही मिलेगा। तो यहीं देख के हम लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण दो डालना है, क्यों? क्योंकि ये लघुत्तम कैंसिल होने के बाद समीकरण दो लिखना पड़ता है। तो ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इंटू वन माइनस का एक्स, समीकरण नंबर दो डालो। अब समीकरण दो डालने के बाद में दो लाइनें तीन लाइनें हमने बताई थी, बढ़ा के लिखना है अब रोही क्रम के लिए, क्योंकि वहां से हमें गुणांकों की जरूरत पड़ती है। तो देखो, और हर एक पद के लिए आपको, जैसे हर, जैसे ए वी सी है, ए के लिए अलग पद बनाना है, बी के लिए अलग बनाना है, और सी के लिए अलग बनाना है, और हर एक पद में अवरोही क्रम लिखना है। तो यहाँ पर तो ऐसे लिखो टू, यहाँ पे अवरोही क्रम लिखो, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी अचर है, पावर है ही नहीं। यहाँ पे देखो बी के लिए लिखेंगे अलग, तो एक्स का इंटू कर दो, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, बी अलग हो गया। अब वन माइनस एक्स का इसमें इंटू किया था, तो वन माइनस एक्स का सी में इंटू करो। तो ए के लिए अलग लिखना है, बी के लिए अलग लिखना है, और सी के लिए अलग लिखना है, और हर एक पद में अवरोही क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है भाई, तो आपको माइनस कॉमन लेके लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवरोही क्रम में इसमें नहीं है, आपको पता है जब गुणांकों की तुलना करेंगे माइनस ले लेंगे, तो ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद करते क्या है, प्रश्न आठ में आपको बात बताए, प्रश्न नौ में बात बताए, और प्रश्न अब बता रहे हैं तेरह में। क्या बात आपको बताई थी कि यहाँ से आपको 4G ट्रिक से मान निकाल लेना है। एक्स मान वहीं से निकलेगा जिसमें ब्रेकेट के अंदर एक्स की अधिकतम घात एक होती है, तो यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्स मान कितना मिला? वन मिला। अब बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ से क्यों नहीं मिला, हम आपको बता रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आपको जीरो करना है, ऐसे करके कर लिया तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, घात हटी रूट चढ़ा, क्या आ गया? काल्पनिक आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया? काल्पनिक। तो काल्पनिक मिल गया और हमें वास्तविक चाहिए, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वहीं से एक्स का मान निकलेगा जिस ब्रेकेट में एक्स की घात एक होती है, वहीं से निकलेगा। तो यहाँ से निकल रहा है, निकल रहा है यहाँ से, यहाँ से एक्स का मान नहीं निकला, क्यों नहीं निकलेगा बता दिया, तो ट्राई भी ना करना, टाइम खराब होता है। तो वहीं से निकालना है आपको जिस ब्रैकेट में एक्स की घात एक हो। ठीक है, समझ गए हो। अब एक मान मिला है, मिला है तो एक मान ही ज्ञात कर सकते हो। कितने मान ज्ञात करना है? ए बी सी, तीन ज्ञात करना है। तो एक मान ज्ञात हो पाएगा डायरेक्ट, एक मान ज्ञात हो पाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एक्स का मान एक ही मिला है। अगर दो मान मिलते एक्स के, तो दो मान आप ज्ञात कर सकते थे डायरेक्ट। तो ऐसे करके पता लग जाता है कि x का मान अगर एक मिला तो एक ही मान निकाल सकते हो, चाहे a का निकलेगा या b का या c का, फिक्स नहीं होता है। देखो किसका निकलेगा, तो आपको समीकरण दो में ये मान रखना है। तो x बराबर a एक समीकरण दो में रखने पर, यहाँ पे आपको लिख लेना है समीकरण दो में रखने पर। देखो दो कहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है तो एटेडिज लिखना है। यहाँ पे देखो जैसे x बराबर वन रखोगे तो क्या मिलेगा? वन प्लस वन का स्क्वायर वन। यहाँ पे वन रखोगे तो आपको पता है जीरो मिलेगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। तो a का मान देखा जाए कितना मिला, यहाँ पे हल करोगे तो a का मान वन मिला है भाई। a का मान कितना मिला? वन मिला, क्योंकि टू ए बराबर टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक मान मिलने के बाद में, अब आपको ये लाइन दिख रही है समीकरण दो के बाद, अब रोही क्रम
में आपने लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुणांकों की तुलना करना है। देखो दो मान आपको निकालना है, एक मान निकला है यहाँ से वी और सी का, और निकालना है गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणांक, यहाँ पे क्या लिख देते हैं गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से, यहाँ पे क्या लिख लेना है गुणांक एक्स स्क्वायर की तुलना से। तो सबसे पहले अधिकतम घात एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की करना है, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो, यहाँ पे देखो इसमें एक्स स्क्वायर है ए का इंटू करो तो ए मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का बी मिला, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है नहीं है तो ए माइनस बी बराबर जीरो। अब ए का मान वन है तो बी का मान कितना मिलेगा, वन मिलेगा, क्योंकि बी बराबर ए आएगा, जो ए का मान होगा वही बी का मान होगा। अब देखो आगे गुणांक एक्स स्क्वायर के बाद क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो गुणांक एक्स की तुलना से, चलो गुणांक एक्स की तुलना से, अब गुणांक एक्स लेना है आपको, यहाँ पे एक्स है नहीं है तो जीरो, समीकरण दो के बाद जो लाइन है उसी से आपको लिखना है, यहाँ पे एक्स है नहीं है, यहाँ पे है तो बी मिल जाएगा, बी का इंटू करो एक्स में तो एक्स है गुणांक बी, यहाँ पे माइनस का सी मिल जाएगा, तो हमें पता है सी का मान पता चल जाएगा। बताओ सी का मान कितना मिलेगा, बी का मान हमें मिला था पहले से, कितना था भाई वन, ठीक है तो सी का मान भी वन मिलेगा, तो ए बी सी तीनों के मान वन वन निकले हैं। चलो भाई अमेजिंग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया अमेजिंग, तीनों के मान बराबर निकले। अब समीकरण एक में रखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है ए कामा बी व सी के मान समीकरण एक में रखने पर, रखो एक में तो ए का मान वन है, बी का मान वन है, सी का मान वन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, इसके बाद आपको बताएंगे उसे लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको लिख लेना है, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो भाई रफ हो चुका है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, दो बटे वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमने बताया था जब दोनों पक्षों का समाकलन करते हो तो बराबर के इस तरफ जिसका समाकलन पूछा गया है वही आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो मिला है, ठीक है। अब दो पद हैं, इधर लिख लो वन अपान वन माइनस एक्स, एक्स प्लस वन अपान वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, इसका करना है, ये तो प्रश्न है, चलो अलग अलग कर लो, वन अपान वन माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एक्स प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दो पद हैं दोनों का अलग अलग आपको करना है। अब रफ कर रहे हैं, अब देखना है अंश में थोड़ा सा, देखो वन अपान एक्स घात एक है, लॉग में होता है फार्मूला, चलो यहाँ पे लॉग मोड में वन माइनस एक्स लिखना है। अब हर में आपने देखा चर चेंज है तो आपको अवकलन करना है, वन का जीरो और एक्स का माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ पे एक फार्मूला लगा लो, देखो हमने आपको बताया भी था एफ डेस एक्स अपान एफ एक्स, ये फार्मूला बताया था, लॉग में क्या हो जाता था मोड एफ एक्स, ये कहाँ बताया था, प्रश्नावली 7.2 में बताया था। इसका अवकलन करेंगे, अंश का मिलता है तो लॉग के बाद में मोड में आपको लिखना पड़ता था, यहाँ पे अवकलन करो, इसका अवकलन करो तो कितना मिलेगा, देखो हम अवकलन करके दिखाते हैं, वन प्लस का एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करके चेक करना है, तो चेक करना है कितना मिलेगा, जीरो प्लस का टू एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे नहीं एक्स दिख रहा है, टू नहीं दिख रहा है, टू और यहाँ पे होता तो हम क्या करेंगे, दो का इंटू कर देंगे और दो का डिवाइड लगा देंगे, तो टू एक्स प्लस का टू अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखना है जैसे आपको बताया था हमने कि जो नहीं मिलेगा वो संख्या में ही नहीं मिलेगा, संख्या का ही गुणा भाग होता है, चर का नहीं होता है इस फार्मूले में,
तो संख्या का हो गया दो का, ठीक है। इसको एडिटिज आपको लिखना है लॉग वन माइनस एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आपको कितना मिला था देख लो, टू एक्स मिला था। अब टू एक्स मिला था, टू एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको लिख लेना है, जितना मिला था उसके बटे में तो आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता है इसका आकलन करते हैं मिलता है। तो ऐसे ही आपको टू एक्स मिला तो टू एक्स के बटे में आपको लिख लेना है, पूरा पूरा मैच हो जाएगा, फार्मूले का यूज हो जाएगा। अब इसके अपॉन लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन लिख लो तो टू के अपॉन लिखना पड़ेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉग मोड में वन माइनस एक्स प्लस का वन अपॉन टू, अलग अलग करो समाकलन, इसका अलग करो, दो पद हैं अलग अलग करो समाकलन, ठीक है। इसका वन अपॉन टू का इसमें इंटू करेंगे तो टू अपॉन टू मिलेगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम रफ कर देते हैं डीएक्स, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। अब आगे देखो, यहाँ पर तो आईटीजी लिखना है, पहला पद यहाँ पे देखो वन अपॉन टू, इसका आकलन किया तो मिल गया, लॉग के बाद में आपको लिख देना है, फार्मूला रफ कर चुके हैं वही यूज हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान कितना मिला, वन मिला, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो लॉग मोड वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू लॉग वन प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस का टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है। अब देखो आंसर शीट यहीं पे छोड़ी जाएगी कि आगे छोड़ी जाएगी, देख लो यहीं पे छोड़ी जाएगी, क्योंकि लॉग के इस लॉग का गुणांक क्या है, वन अपॉइंट टू, इस लॉग का गुणांक वन है, तो गुणांक अगर सेम होता तो लॉग एम एन या लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला लग जाता, तो ऐसे छोड़ना है। और इस तरफ क्या आएगा हमने बताया था, प्रश्न ही आता है, टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का तो समाकलन कर रहे थे, हो गया, आपको नोट कर लेना इसको। तो कितने प्रश्न हो गए इस क्लास में चेक कर लो, पिछली क्लास में हमने प्रश्न एक से लेकर सात करवा दिए थे, और इस क्लास में हमने प्रश्न करवाए हैं आठ नौ, मतलब तीन और तीन छः करवा दिए, तो टोटल प्रश्न हो गए, प्रश्न 7.5 के 13 हो गए। अब अगली क्लास में प्रश्न 13 से आगे हल करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।